चेतन साकरिया आखिरी ओवर, पिछला ओवर महंगा रहा खलील का, 14 रन उस ओवर में आए। इंपैक्ट प्लेयर ये अभी ले आए, इंपैक्ट प्लेयर ये काम वैसे दूसरी इनिंग्स में भी किया जा सकता था और हम सबका ये मानना था दूसरी इनिंग्स में ही होगा, अनलेस ऑफ कोर्स कि आपके बॉलर जिसको आप रिप्लेस कर रहे हो उसके चार खत्म हो गए तो फिर आप किसी को 20वें ओवर में लेकर आ रहे हो। खलील गए बाहर और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में अंदर आएंगे अमन खान। ऑलराउंडर है अमन खान, मुंबई से हैं ये, मुंबई से वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, फिनिशर जैसे बैट करते हैं और मीडियम पेस भी डालते हैं। फिर तो इनका स्थान पहले 11 में होना चाहिए क्योंकि अगर पिछले मैच में एक ऑलराउंडर ऋषि धवन को खिलाया था इंपैक्ट प्लेयर के रूप में। इनको एक्चुअली केकेआर से ट्रांसफर में दिल्ली को ट्रेड किया गया था। अमन से आशा, बैक ऑफ द हैंड स्लो वन, अच्छी गेंद थी ये, मिडॉन लेकिन सर्कल में था, मिडॉन सर्कल में और बैक ऑफ द हैंड स्लो वन राइट हैंडर को डालते हैं, कुछ तो अलग ही चल रहा है। कुछ गेंदबाज होते हैं जिनको टॉस देना बहुत पसंद है, छकाना बहुत पसंद है कि फील्ड बाउंसर की लगाई और आपने डाल दिया यॉर्कर, कई सारे गेंदबाज करते हैं कि बल्लेबाज भी फील्ड देख के एक भांपता है कि कहां कहां गेंदबाजी हो सकती है, उसके अनुसार कभी कभी ब्लफ करना भी अच्छा होता है। अगर आपने एग्जीक्यूट अच्छा किया कोई डिलीवरी तब तो हमेशा अच्छा है, ब्लफ करना तभी तक ठीक है जब तक आपका एग्जीक्यूशन अच्छा है, कई बार ब्लफ आपको भारी पड़ता है। ये वाली गेंद दोबारा डालनी पड़ेगी, मुश्किल होता है स्लोअर बॉल डालने में जब कंडीशंस इतना आउटफील्ड इतना जब गीला होता है, इजी नहीं होती फास्ट बॉलर के लिए, वो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल हो या ऑफ कटर स्लोअर बॉल, लेग कटर स्लोअर बॉल, बहुत मुश्किल हो जाता है। इस क्रिकेट में जो सबसे टफेस्ट स्किल है फास्ट बॉलिंग की है खासतौर से डच में सब ऐसे ही बोलते हैं, स्पिनर बोलते हैं टफेस्ट स्किल स्पिनर, विकेट कीपर बोलते हैं टफेस्ट स्किल विकेट कीपिंग है, मैं कह देता हूँ कॉमेंट्री सबसे मुश्किल है, मैं मान लेता हूँ ये बेहतर शॉट है, सामने ऑफकोर्स डेविड वॉर्नर मौजूद। मैं बहुत हैरान हूँ कि पहले ही पारी के वो सातवें आठवें ओवर में ही ड्यू सेटल हो गई थी। Which team is most likely to reach the IPL finals? Wow! LSG को 60% वोट मिले हैं, 20% मिले हैं DC को, दोनों नहीं पहुंचेंगे ऐसे भी 20% लोग हैं और दोनों नहीं पहुंच सकती फाइनल में, ये भी यहां किसी ने वोट नहीं दिया। किंग ऑफ द नॉर्थ वो IPL टाटा IPL का किंग नहीं बनेंगे, दोनों फाइनल में नहीं पहुंचेंगे ऐसा लोगों का मानना है। अच्छी टीम है लखनऊ की, मेरा मानना लखनऊ टॉप फोर में तो रहेगी, दिल्ली बहुत दूर है मेरे भाई, अभी तो पहली मैच है। दिल्ली के लिए दिल्ली कितनी दूर है ये सवाल थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि ऋषभ नहीं है, ये भी वाइड होगी, वाइड करार। दिल्ली के लिए दिल्ली काफी दूर है, यहाँ पर जिस तरीके से खेल घटा है सेकेंड हाफ में उन्होंने खेत को पकड़ा जरूर है, काइल मार्श जिस हिसाब से बल्लेबाजी की अद्भुत। बाउंसर ये ट्राई कर रहे हैं बदोनी के सामने जो कि वैसे भी थोड़े छोटे कद के खिलाड़ी हैं, दो वाइड गेंदे तो छोटा है पर छक्के बड़े लंबे मारते हैं ये, अच्छा शॉट था, ऐसा लगा इंतजार ही कर रहे थे कि इस बार गति रहेगी गेंद की, स्लोवर काफी डाल चुके थे और अपना फुल बैट का स्विंग काफी लंबा छक्का मारा तो गेंद को सही तरीके से पार, 97 मीटर्स का था लंबा छक्का। जिस हिसाब का साइज है धोनी का ये तो कुछ बहुत ही बड़ा छक्का हो रहा है, 7 meters over the stumps. देखिए सर आपने कौन बदला है,
सामने वाले बल्लेबाज का दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं बदला। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन थी और बड़ी तेजी से सामने की तरफ गई है। दो गेंदें इन्होंने लॉन्च की है, दो छक्के लगातार। इस छक्के में जब छक्के मारते हैं इस बॉल पे, आप उनका आंखें देखिए कितना स्टिल है, कितना शांत है और क्लीनली मारे हैं ये बॉल को। बिल्कुल सही रॉबिन, काफी क्लीन हिट थी, बैलेंस था, इंतजार किया और उन्होंने पढ़ भी लिया कि गेंद में गति परिवर्तन किया गया। ये 88 मीटर का, इससे पहले 93 मीटर, और यॉर्कर मारने की चेष्टा कर रहे हैं तो यॉर्कर सही से एग्जीक्यूट होना चाहिए। स्लोअर कई बार अच्छा विकल्प होता नहीं है इस ग्राउंड में, मुझे लगता है कटर ज़्यादा अच्छा विकल्प है या फिर पैरों पर यॉर्कर। यहाँ जरूर अपनी विकेट गंवा देंगे, लेकिन विकेट गंवाने से पहले बहुत अच्छा काम करके गए हैं आयुष बदोनी। सिर्फ 8 बॉल में 18 रन, देखा उन्होंने कि हट रहे हैं लैप करने के लिए तो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल डाल दिए। बहुत ही अच्छा चेंज ऑफ पेस यहां पे चेतन साकरे। आयुष बदोनी 18-7 बॉल में 187/6 LSG। इस ओवर में दो इंपैक्ट प्लेयर्स हमने देख लिए। पहले अमन खान आए थे वो खलील की जगह, यहां कृष्णप्पा गौतम आए आयुष बदोनी की जगह। स्ट्राइक पर आएंगे तो हम सोच रहे थे शायद वो अमित मिश्रा को मिलेगा इंपैक्ट प्लेयर बनने का मौका, लेकिन आज तो नहीं, आज कृष्णप्पा गौतम है। कृणाल पंड्या जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे रहेंगे, अब 187 रन बन चुके हैं। जरूर है पर 187 मार्क वुड, रवि बिश्नोई, आवेश खान, मार्कस टॉयनिस, कृणाल पंड्या, अब कृष्णप्पा गौतम भी। गेंदबाजी भी तो करते हैं। आखिरी गेंद, ये गेंद कहां गई है? वाह कृष्णप्पा गौतम, वाह गौतम गंभीर खुश है क्योंकि कृष्णप्पा गौतम का ये जो आपने चाल खेली है आखिरी गेंद पर, वो भी 6 रन देकर गई है। इनक्रेडिबल इंपैक्ट प्लेयर का इंपैक्ट पहली ही गेंद पर, बड़ा इंपैक्ट, महत्वपूर्ण 6 रन, एक गेंद खेलने का मौका मिला कृष्णप्पा गौतम को, इस पर भी 6 रन बनाए। एकदम सही निर्णय रहा गौतम गंभीर और उनके साथियों का कि सही गौतम गेंदबाजी भी करेंगे। ऑफ ब्रेक गेंदबाजी थोड़ा ड्यू रहेगी, टीम में भी काफी कारगर गेंदबाजी करते हैं यहाँ पर। अच्छा घटा अभी तक लखनऊ के लिए, काइल मैट से जबरदस्त शुरुआत की, उसके बाद थोड़ा लड़खड़ाया, फिर बाद में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी निकल स्पूरन, और ये आखिरी गेंद गौतम बल्लेबाजी करने और सीधे 6 रन प्राप्त कर लिया। यहाँ पर निराश होंगे चेतन सकरिया, 3 छक्के आखिरी ओवर में।